हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? आया हो आप सब लोग? अच्छे होंगे। ये मेरा दोस्त है इरफान और ये है राजा फैजान शेख। क्या राजा नाम उसका? रे बंडकल में कब्रस्तान है 3000 साल पुराना। मैं नहीं मानता। कुछ लोगों से घर बोल रहे, कुछ लोग कब्रस्तान बोल रहे, पुराने आदिवासी लोगों के घर बोल रहे। हमें जाकर वहाँ देखेंगे वहाँ का व्यू कैसा है। उनको मेरे वीडियो को शेयर करो और मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। चलो चलते हैं। हमें निकले थोड़ा आगे, अनकबद में आई हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह। हमें चिप्स लिए खाने के वास्ते, कई बोले तो वहाँ खाने का भी नहीं मिलता। और हमें पानी की बॉटल लिए, पानी नहीं रहे वो बोले तो वहाँ आगे ट्रैकिंग करने होता नहीं, पानी मेन है। गंगावती से सीधा कपल रोड को आना, कपल रोड को आगे आने के बाद में बेणकोबल को गाँव आता, वो गाँव से थोड़ा आगे आ गए कटिंग आती, कटिंग लेकर सीधा स्टेट जाना। तो जैसे कि आप गाइस देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, यहाँ से जो रास्ता है ना अंदर जाता है और आदिवासी लोगों के घरों का सब कुछ पूरा यहाँ पे पेंटिंग से उतारा गया है कि यहाँ से आप इजीली जा सकते हो बोल के। देखो दारी बोल के इधर से लिखा हुआ है। और ये जो स्ट्रेट रास्ता दिख रहा है ना, वन वे सीधा स्ट्रेट रास्ता, ये रास्ता जाता है उस जगह को। हमें यहाँ से आप सीधा जाते, ये मार्ग दिख रहा है। अभी हमें इधर से आए सो गाड़ी लोगों को ये साइड से आए, मैं ये साइड से, तो मैं यहाँ स्ट्रेट आया बोले तो तुम्हारा रास्ता मालूम हो जाता तुम्हें स्ट्रेट जाने का। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? मालूम नहीं पड़ रहा। इधर से आया मैं, सामने से यहाँ से आया। अब यहाँ से इधर जाना या ए रोड को जाना या इधर जाना मालूम नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा। कौन तो भी आसपास में रह क्या देखेंगे। एक बच्चा बोले हमने कि स्ट्रेट जाओ इधर पलटा बोलते। यहाँ पे कुछ बोर्ड लगा इसका, देखो यहाँ क्योंकि बोर्ड में लिखे सो है पूरा, जाको पढ़ेंगे और देखेंगे क्या इसके बारे में। यहाँ पे बहुत सारे बोर्डा भी डाले सो, इसमें पूरा डिटेल लिखे सो इस जगह के बारे में। और यहाँ पे ये जो रास्ता है यहाँ से स्टेट जाना हमें ये रूट से ऐसे याद रख लो, ये सुरंग के पारो का को स्टेट, सुरंग के स्टेट ही जाना, सीधा रोड को जाना। चलो जिंगे आगे देखेंगे व्यू कैसा है क्या है बोल को पूरा नज़ारा। देख सकते हैं यहाँ पे इसके बारे में पूरे डिटेल लिखे हुए। यहाँ पे लोग भी रहते जो तुम्हारा गाइडिंग कर सकते, तुम ये रास्ते से सीधा ऊपर चढ़ को जाना, यहाँ से गए तो तुम्हारा पूरा जो आगे का व्यू मिलता। तो जैसे कि देख सकते हैं ये भाई है, ये हमें गाइड करेंगे इस जगह के बारे में कि बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीजें और कब से है, क्या है इसका पूरा डिटेल। भारत देश कर्नाटक राज्य कोप्पल जिले गंगावती तालूकिन हिरे बड़कल ग्राम स्मारक इतना हिंदी इतिहास नोड़े सुमार 3000 वर्ष हिंदे नम ऐन कुब्जर आदिमानवरल अब कब्बिण शिले अथवा कल शिले युग इतिहासवान स्थल गुर्तपड़े मेले ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಂಡೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಹೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಗುಹೆಗಳು ವಾಸಿಸೋಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿ, ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮಾಧಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಸಹ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲೇ ನೋಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಇದು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಆದಿಮಾನವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. देखो कैसा नज़ारा है, कैसा व्यू है बोल को। हमें लोग कहाँ कहाँ की बाहर जाते घूमने फिरने को वास्ते हजारों से रुपये खर्च कर को, ऐसे खाली पहाड़ा देखने को वास्ते, पानी देखने को वास्ते। लेकिन हमारे गंगावती में, हमारे कर्नाटक में एक ऐसा प्लेस है जो अभी तक हिडन है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, ज्यादातर हमारे गंगावती के लोगों को नहीं मालूम है जगह। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मैं ऐसा बोल रहा हूँ बोल को, गलत नको समझो, कई बार तो अच्छी जगह है। तुम्हें लोग आँखों देखो तो मालूम चलता तुम ना, मैं बहुत दिन से जगह की प्लानिंग में था कि मैं आपको यहाँ ब्लॉग बनाऊँ बोल को। आज जाकर मेरे को मौका मिला ऐसे घर, ये घर हाँ चुमटियाँ बनाते लेकिन इसमें रहते सापा, ऐसा छेड़छाड़ नको करो क्या भी ऐसी जगहों को। क्या व्यू है यहाँ से, क्या नज़ारा दिख रहा देखो। ऐसा नज़ारा देखने के लिए हमें स्पेशली ऐसी जगहों को आना पड़ता, तो और आगे चलेंगे। चलो तो यहाँ पे पूरे मार्कन डाले से एल्प्लेन को से, तो अगर हमारे जैसे लोग यहाँ पे आते जाते रहे तो ये जगह और इम्प्रूव होती, और बाहर से लोग आए तो भी हमारे लिए बेटर है। देखो क्या मस्त लग रहा बोलो, ऐसे पत्थरों में चल के जाना। तो कैसा लग रहा है तुम सब जना को यहाँ का व्यू? मेरे को तो बहुत पसंद आया, ऐसे जंगल में मेरे को एडवेंचर ट्रिप करना बहुत पसंद, मेरे को बहुत बोलो तो बहुत पसंद। और स्पेशली ये जो जगह है
हमारे कर्नाटक में हमारे गंगाती में है, बोल को मेरे को और अच्छा लग रहा। एक बात, हमें सब नज़ारा देखने के वास्ते दूर दूर जाना पड़ता, 300-400 किलोमीटर दूर, हजारों से रुपये खर्च करके कहीं को जाना, जब हमारे गांव में हमारे शहर में इतनी अच्छी जगह देखने के वास्ते है, ऐसा जंगला में ऐसा मतलब पहाड़ा चढ़ को ट्रैकिंग कर को ऐसे जो हमारे को पुरानी हिस्ट्री देखने को मिल रही, तो हमें पैसे खर्च करके बाहर कहीं को जाना। ये देखो कितना मस्त है, थोड़ा दम चढ़ रहा। अच्छा पहाड़ चढ़ को है नी, इसलिए क्या बोले तो और थोड़ा अंदर गए तो अच्छा नज़ारा देखने को मिलता, बोल को सुनने को आए नीचे से भी लोग बोल को भेजे ना कि जाओ देखो आओ, लेकिन कुछ तोड़ फाड़ न को करो बोल को। तो पूरा जंगल, पूरा का पूरा जंगल, कहाँ भी नहीं, पूरा का पूरा खाली जगह जंगल पूरा। तुम्हें यहाँ आँख रील्स वगैरह भी बनाए नहीं, एकदम ऐसा वायरल होते, ऐसा दिखते हैं तुम्हारे रील्स, कहाँ की बाहर कंट्री के बोले सर दिखते, बहुत अच्छा है व्यू यहाँ का। बाहर साइड जो लोग रहते नहीं, उनको बड़े बड़े बिल्डिंग देख देख को बेचारा करता, आउट ऑफ कंट्री के लोगों को भी बेचारा करता, आउट ऑफ कंट्री के लोग इंडिया को स्पेशली कहीं को आते बोले तो ये सब जंगल ये सब नेचर देखने को आते आते। मतलब ये जगह की हिस्ट्री क्या है भाई, 3000 साल से भी पुरानी जगह कहते, इसमें है ऐसा खास चीज़ क्या है? खास चीज़ ये है इसके अंदर कि ये जो जगह है यहाँ पे उनकी खबरें और उन्होंने उतारे से पेंटिंग आज भी मौजूद है। तो मैं तुम्हें दिखा तू, मेरे वीडियो में बने रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को शेयर करो, हमें वहाँ से चले था ऐसा। कितना नीचे से आया बोलो, पानी की बोतल ये लाए बोलो, हमें कहता कि सेफ है बोलो, अगर ये पानी की बोतल हमें नहीं लाती नहीं तो हमारा पानी निकल जाता था यहाँ। एकदम रेल की तरह है कीड़ा है, देखो कितने पाँव है इसे, वाह एकदम रेल की तरह, एकदम रेल की तरह है कीड़ा। वो बच गई पहाड़ में, अम्मा गए पहाड़ में, पहाड़ के लायक नहीं है तुम, सुड़गाड़ी के लायक है। सभी जन एक बार सुड़गाड़ी खाते, जिनकी उम्र हुई जो चढ़ नहीं सकते उन्होंने नको आ कहीं बोले तो हमें वहाँ से जो चढ़ को आए वो हमारा गंगावती वहाँ दिख रहा। दिस इज माई सिटी इन गंगावती, ये मेरा गाँव है गंगावती, और यहाँ से हमें गाड़ी में आको वहाँ हमारी गाड़ी छोड़ को इधर चल लेता है, शायद हमारी गाड़ी सेफ रहना बस होता छे, लगता तो नहीं क्या भी होता बोल को, फिर भी दुआ कर दूँ कि मेरी गाड़ी वहाँ सेफ रहना, कुछ होना नहीं मेरी गाड़ी को बोल को। ये देखिए पूरी बॉटल पिया, ये देखो से ये आदिवासी लोगों के जात का ये गजब बेइज्जती है। आदिवासी लोग तो चले गए, लेकिन ऐसे आदिवासी आदमी को छोड़ चले गए। एक बॉटल पूरा पानी पिया बोलो, मैं पिया था इतना राजा इतना पिया, बाकी का पानी पूरा पी छोड़ा एक ही घुट में, फिर भी वाह। ऐसे लोग रहने से मालूम पड़ता कि आदिवासी लोग थे बोल को। ये देखो शायद मुझे लगता है ऐसा कि एक बैल उतारे सोए, ये आदिवासी लोग है, ये उनकी बैल है, और इन्होंने यहाँ पे बैल में बैठ को हिरण का शिकार कर रहे। पीछे मत जाओ भाई, पहाड़ में बहुत मजा है। हाँ तुम्हारी जिंदगी बेवजह है। हाँ भाई कैसी लगी? बारिश के दिन में छतरी लेकर आए तो थोड़ा प्रोटेक्शन मिलती, तो मैं अपने आप को थोड़ा बचा सकती हूँ। वो तो पहाड़ की बारिश जो है बहुत खतरनाक रहती, बहुत बोले तो बहुत खतरनाक। अब जैसे हमें चल रहा है देखो, ये हमारी छतरी हाथ में वजन तो लग रही, लेकिन बारिश आने के बाद में बहुत सारा बन गया हमारे, तो छतरी हमें इसलिए हाथ में ले पाए ताकि हम ना प्रोटेक्शन मिले। साथ में कवर लाइए फोन गिन डाले जाने के लिए, बहुत सेफ्टी के लिए। सही बात ब्रो, मैं तो पहली बार कुछ सही बात बोला रे बाबा। सही बात है। कुछ मालूम नहीं मेरे को, घर है खबर है, लेकिन फिर भी ये जगह को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ लोगों का रहना था या कुछ लोगों का करना था, उनकी कुछ निशानी तो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। यहाँ पे एक है स्टार्टिंग में, और यहाँ से ये बड़ा पत्थर है, थोड़ा पानी है, फिर आगे रास्ता है। अगर एक आदमी इसके नीचे खड़ा रहा और ये पत्थर का तो गिर गया बोलो तो उसका कचंबर बन जाता, इम्पॉसिबल है। ये हमारे अब के दौर में लोगों का बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन जबकि दौर में ना क्रेन थी ना जेसीबी थी, फिर भी ऐसे पत्थरों को कैसा प्लानिंग से और कैसा एक साथ से ठहरा कर रहेगा, ये ग्रेड बोले तो बहुत ग्रेड है। ऐसे नेचर को देख को लगता है ये सही में 3000 साल पुराना है, 3000 साल से भी बहुत ज़्यादा पुराना है। ये देखो पूरा का पूरा देखो,
एक बॉक्स की तरह सेम बना को उसके ऊपर राउंड टाइप पर छत डाले। तो इसका मतलब क्या, 3000 साल पीछे इसको क्या समझते थे लोग? अब मेरे दिमाग में तो एक हिसाब को ये आइडिया आ रहा कि ये सब लोग जो ना ये बनाए सो बारिश को बचने के वास्ते। मेरे मैटर से मैं बोल रहा हूँ, देखो एक बोलो तो यहाँ पहाड़ों के ऊपर बारिश बहुत ज़्यादा होती नहीं, तो बारिश से बचने के वास्ते, धूप से बचने के वास्ते, रेस्ट करने के वास्ते शायद इस तरीके का बना को लोग उसके अंदर रेस्ट करते थे। और इसके अंदर नाम लिखे सो है, इसका मार दे देखो, इसके अंदर जो है यहाँ पे 5 नंबर लिखे सो है, इसके अंदर आराम है, सेफली है, एक इंसान आराम से ठहरे रह सकता। जैसे गिरफन तो ठहर, ये देखो ये मेरा दोस्त उसके नीचे खड़ा हुआ है, एक सेफली उन्हें आराम से उसके ऊपर ठहरे रह सकता। और इसकी जो मेरे दोस्त की जो फिट है 7.5 फीट है, आराम से बैठ सकता, ठहर सकता, सो सकता। सो जाए इरफान एक बार, ये देखो आराम से सो सकता। ये तो मेरा दोस्त फालतू ये काम भी सोबर तो सोता सजना को ऐसी जगह रहे तो बस। इसका नंबर जो है 11 है, वो 5 था, ये 11 है नंबर लिखे सो है कि वो कितने नंबर का है बोल को, ये देखो। और इसमें एक खास बात मैं तुम्हारा बताता हूँ, ये देखो एकदम इसे दराजे के टाइप में एक बॉक्स की तरह बनाए, एक बॉक्स की तरह बनाओ को उसके अंदर एक राउंड सर्कल का निशान बिठाए। ये जो तुम्हारा राउंड सर्कल दिख रहा है ये अब बनाए सो ना, ना ही अल्टरेशन करे सो, ये पहले का चे। घर में डाले क्या बोलते हैं उन्हें, उनका यह समाधि खबरस्तान है, उन्होंने उनके जो लोग मरते थे नहीं उनको लाकर दफनाते थे, इस टाइप का बनाते थे। और उन्होंने जो रहते सो यहाँ आगे एक 2-3 किलोमीटर दूर उन्होंने वहाँ रहते थे कहते नीचे गाँव कने, वहाँ वो लोग आदिवासी लोग गाँव वहाँ से वहाँ करते थे कहते, वहाँ उन्होंने रहते थे कहते, और यहाँ जो मरते थे नहीं उनको लाकर दफना को ऐसा एक खबर बनाते थे। लेकिन सब लोगों की नहीं बनाते, जो खास लोग रहते जो मेन लोग रहते उनके पास यहाँ खबर बनाते थे, ऐसा इस टाइप की खबर बनाते रहते। ये पूरे यहाँ के खबरस्तान कहते उनका है, बट यहाँ देखे तो ऐसा लग रहा है कि ये घर भी इसमें भी शायद उन रहते भी बोल को लग रहा खबर है, घर है ये तो पूरा कंफर्म नहीं है गवर्नमेंट वाले बोलने का, ये खबर बोल को तो इसी हिसाब से चलेंगे, ये उनकी खबरस्तान है। तो आओ तुम्हें भी देखो पुराने जो हमारे पूर्वज है, जो हमारे से पहले दुनिया में आए, जो हमारे से पहले जीना सीखे, जो हमारे से पहले सब खाना पीना रहना सब कुछ सीखे, उनकी जो भी निशानी हमने यहाँ देखने को मिली तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है। तो आओ ऐसे चीज़ों को देखो, व्यू को एंजॉय करो। और बारिश के टाइम पर यहाँ इस जगह पे आए हो तो तुमने बहुत अच्छा व्यू मिलता है, देखो लोग बहुत सारे आए हुए हैं और यहाँ गार्ड्स भी रहते हैं, उन लोग यहाँ पूरे सिक्योरिटी करते रहते हैं कि हमारे गांव गंगावती के पास में 10 किलोमीटर दूर हीरे बंडकल के पास में सब चीज़ें हैं हमारे को देखने के वास्ते। तो मिस न करो प्लीज़, तुम्हें मेरे रिकमेंड से एक बार आओ, आपको देखो तुमने बहुत अच्छा लगता और चढ़ को आदेश में बहुत मज़ा आता। तुमने हमारे कर्नाटक के 7वें अजूबे में सबसे पहले जो 7वें सबसे खूबसूरत चीज़ें जो हमारे कर्नाटक में बचे हुए हैं उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर ही आता है, ये सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है। करीबन यहाँ पे 40-50 से भी ज़्यादा ये घर है। और बच्चे देखो यहाँ खेलने के वास्ते आए, महिला महबूब वाओ हनमेश गणेश ये ब्रदर गणेश है सर, राजा बख्शी वाह रियाज देखो
हमें बड़े हो को जात धर्म बोल को लड़ते हैं, लेकिन बच्चे देखो इसमें रियाज भी है, गणेश भी है, राजा बख्शी भी है, सब एक साथ मिलको है। इनको जो है ना जात धर्म भेदभाव का क्या भी मालूम नहीं है। इन्हों आज एक दोस्तों की तरह ऐसी जगहों पे आको एंजॉय कर रहे, लेकिन जैसे हमें बड़े होते नहीं हमारे दिमाग के अंदर एक ऐसा कीड़ा पैदा होता कि हमें एक दूसरे के दोस्तों से जलते, एक दूसरे के धर्म से जलते, एक दूसरे के जात से जलते। जैसा हमें बचपन में रहते मैं उम्मीद करता हूँ मरते दम तक अभी हमें ऐसी चलना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे आदिवासी लोग एक साथ रो को सब घना बना को हमारे वास्ते छोड़ गए, वैसे हमें भी एक अच्छी इंसानियत दिखा को, एक अच्छे इंसानियत के नाते सब लोग जात धर्म को छोड़ को एक साथ मिलकर रोको तो आगे आने वाले बच्चों को, आगे वाले जनरेशन को ऐसी एक अच्छा मैसेज और अच्छी ऐसी दुनिया छोड़ को जाए। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें सब लोग हैं सब देख को तुम ना कुछ समझ आ रहेगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। बोल को अंदर बचपन नहीं खूबसूरत था बचपन, इनका बचपन इतना खूबसूरत है कि आज इन्होंने एंजॉय कर रहे अपने लाइफ को। अच्छा हमें भी बचपन में एंजॉय करते थे, आज हमारे वो दोस्त नाम पता नहीं कहाँ चले गए, बहुत कम है, लेकिन फिर भी एलो हेड रहो नम चैनल के सब्सक्राइब मारे थे वे चले। थैंक यू सो मच। मेरे को सपोर्ट करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को इतना देखने के लिए।